अगर आप हार नहीं मानते हैं तो यही आपकी जिद आपको एक दिन सफल बना के रहेगी। आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जीके के 10 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कि कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछने के संभावना बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी है पांचवा, ऑप्शन नंबर डी है आठवा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीसरा। प्रश्न संख्या 2 है, भारत की मिट्टी में 2 तत्व की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है, ये 2 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन एवं लोह, ऑप्शन नंबर बी है फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है एल्युमिनियम एवं लोह, ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम एवं फास्फोरस। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 3 है, उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब हरियाणा तमिलनाडु। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 165 केजी, ऑप्शन नंबर बी है 174 केजी, ऑप्शन नंबर सी है 141.30 केजी, ऑप्शन नंबर डी है 191 केजी। उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 141.30 केजी। प्रश्न संख्या 5 है, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा, ऑप्शन नंबर डी है चौथा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में नाइट्रोजन उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन में पूरा करता है? ऑप्शन नंबर ए है 60%, ऑप्शन नंबर बी है 70%, ऑप्शन नंबर सी है 94%, ऑप्शन नंबर डी है 100%। उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 94%। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में फास्फेटिक उर्वरकों को अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? ऑप्शन नंबर ए है 40%, ऑप्शन नंबर बी है 60%, ऑप्शन नंबर सी है 82%, ऑप्शन नंबर डी है 90%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 82%। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? ऑप्शन नंबर ए है खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है गन्ना एवं चीनी उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी में। उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश।